बड़ी खबर का रुख करते हैं। आखिरकार 118 डॉक्टर्स पर गिरी कार्रवाई की गाज, चिकित्सा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवनियुक्त 118 चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा ने आदेश जारी किए। पश्चिमिया ने सबसे पहले दिए थे नियुक्ति रद्द होने के संकेत। दरअसल 1992 एमओ में से 216 ने ज्वाइनिंग नहीं की थी। इनमें से पीजी और एसआरशिप करने वालों को भी एक्सटेंशन दिया गया। बाकी बचे 118 चिकित्सकों को करीब आधा दर्जन बार मौका दिया गया, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं देने पर डॉक्टर्स के नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए गए। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस वक्त डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत, ऐसे में मजबूरी में फैसला लिया गया, और किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बार बार इनको आदेश दिए गए लेकिन इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। देखिए, ये नवनियुक्त डॉक्टर वो है जिनको की सरकार ने जो कुल 1992 लोगों को पोस्ट की थी जनवरी के अंदर, और ये कह के जितनी भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे और सरकार की जो कोरोना की जो महामारी के अंदर जो जंग लड़ रहे हैं इस जंग में वो अपना सहयोग दें। लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी आप देख सकते हैं कैसे 7 बार इनको नोटिस जारी किया गया है, कैसे 7 बार इनको एक्सटेंशन दिया गया है ज्वाइनिंग का, उसके बावजूद इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। और उसके बाद में कुल 216 डॉक्टर ऐसे बताए जा रहे थे जिनको कभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी थी, उसके चलते उन पर पूरा समीक्षा की गई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के स्तर पर इस पूरी समीक्षा की गई, साथ में उनको दोबारा से एक बार फिर से एक्सटेंशन दिया गया लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। ऐसे में जो पीजी और एसआरशिप करने वाले वो लोग जिन 6 माह बाद में ज्वाइन करने का आदेश दिया, बॉन्ड भरा है, उन लोगों को एक्सटेंशन दिया गया। बाकी शेष बचे 118 डॉक्टरों के नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही आपको रात की खबर ये भी कह सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट में जो डॉक्टर बैठे हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि उनको भी उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट में से जो 118 डॉक्टर है उनको नियुक्ति दी जाएगी और उनको मौका मिलेगा सरकार में सेवा देने का, सरकार के अंदर अपनी सेवाएं देने का, अपनी प्रतिभा बताने का। जी जी बिल्कुल विकास, इस दौरान कुछ भी जानकारी इस तरीके से सामने आ पाई कि इन्होंने अगर ज्वाइनिंग नहीं की तो क्यों नहीं की? दूसरा सवाल आपसे ये कि जो अब वेटिंग के अंदर है उनके लिए कब लिस्ट जारी होगी और कब तक इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा? देखिए, जो पहला सवाल आपका है कि इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है, सबके इंडिविजुअल वो है, कई ऐसे भी हैं जो कि पीजी कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो कि अपनी जो सूचना है वो प्रॉपर नहीं दी, कई तरह के अलग अलग इंडिविजुअल केस हैं सभी तरह के जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। रही बात दूसरी कि इनको अब आगे वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, तो चिकित्सा विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि नियुक्ति आदेश रद्द होने के तत्काल बाद में जो वेटिंग लिस्ट है उसमें प्रोसेसिंग शुरू कर दी जाएगी और जल्द से जल्द पोस्टिंग दी जाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जो जितने खाली पद है उनको तत्काल भरा जाए। आप देख सकते हैं कि पहले भी सरकार ने तमाम जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि अपने स्तर पर भी यूपी बेस पर जो भी खाली पद है उनको तत्काल भर दिया जाए। बाद में जो अगर डॉक्टर जो भर्ती करते हैं किए गए हैं वो अगर ज्वाइनिंग देते हैं तो उसके बाद में उनको वहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन खाली पद जो है जिलों के अंदर नहीं रखे जाए। जी जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया।